मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास. सिक्स्थ क्लास इन द फर्स्ट वीडियो वी रीड अबाउट ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड अबाउट ऑल द ओशंस एंड वी आर डूइंग द आर्कटिक ओशन दैट टाइम. तो आर्कटिक ओशन के बारे में मैंने आपको ये तो उस वीडियो में बता ही दिया था कि नॉर्थ पोल के पास आर्कटिक सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, वहाँ पे क्या है आपका आर्कटिक ओशन है. तो उसके बाद इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन. तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान से समझो कि आपको पता है, जैसे कि जस्ट वेट, जैसे कि आपको पता है, जैसे सपोज करो ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है. इस यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताती हूँ. यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से यूएसए लिखा है, और इस साइड पे रशिया है, ठीक है. ये तो आपको पता है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे इधर अमेरिका है और इधर रशिया है. पर आप इस बात को याद करो कि ये पीछे से मिलते हैं आपस में. अगर ये हम ग्लोब से देखेंगे तो पीछे से यूरोप, यूएसए और रशिया आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है. तो इन दोनों स्ट्रेट कहते हैं, बेयरिंग स्ट्रेट कहते हैं. स्ट्रेट पता क्या होती है, देखो जैसे ये स्ट्रेट की मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे ये देखो इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है. तो बीच दो बड़े लैंड मासिस के बीच में से यहाँ से पानी क्रॉस कर रहा है. मैं कलर चेंज करके बताती हूँ. ये देखो यहाँ से पानी क्रॉस कर रहा है टू लैंड मासिस के बीच में, तो इसे हम स्ट्रेट कहते हैं. इसका नाम पाक स्ट्रेट है. जैसे अगर हम इंडिया श्रीलंका की बात करें तो अगर दो बड़े लैंडमास हैं, जैसे एक बड़ा लैंडमास ये है, एक बड़ा लैंडमास ये है, तो बीच में यहाँ से अगर पानी क्रॉस कर रहा है किसी ओशन का, किसी सी का, तो इसे हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है. तो पैसिफिक ओशन पीछे से अगर हम देखेंगे तो बेयरिंग स्ट्रेट है एक, जो कनेक्ट करती है यूएसए और रशिया के बीच में. बेयरिंग स्ट्रेट है, आपको मैं दिखाती हूँ मैप में, मैप दिखाती हूँ मैं आपको इसका, जस्ट वेट. अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर सिक्स्थ क्लास. बच्चे हम लास्ट टाइम ओशंस वाला टॉपिक कर रहे थे. अटलांटिक ओशन करवाया था मैंने, इंडियन ओशन, सथर्न ओशन करवा दिया था, और आर्कटिक ओशन हम कर रहे थे. बच्चे जब मैंने आपको अटलांटिक ओशन करवाया था ना ऐसे शेप करके, और यहाँ पे आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका करके, उस टाइम मैंने पैसिफिक ओशन बोल दिया था. तो उस गलती को ज़रा ठीक कर लेना. आई एम टॉकिंग अबाउट अटलांटिक ओशन, नॉट अबाउट पैसिफिक ओशन. तो वहाँ पे इस स्टैंजा में मैंने जो भी आपको समझाया था, अगर वहाँ पे जहाँ भी पैसिफिक ओशन बोला गया, आई मीन्ट बाय अटलांटिक ओशन, ओके. तो नेक्स्ट हम आर्कटिक ओशन कर रहे थे. आर्कटिक ओशन में मैंने आपको बता दिया था कि इट इज़ नियर द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल के पास ही आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे है आर्कटिक ओशन. ये बात आपको क्लियर है. उसके बाद ये चीज़ बेयरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होती है, तो इट इज़ कनेक्टेड बाय पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन ये आपस में मिलते हैं थ्रू एक बेयरिंग स्ट्रेट के ज़रिए. तो सबसे पहले आप ये समझो कि स्ट्रेट क्या होता है, फिर मैं आपको बेयरिंग स्ट्रेट बताऊँगी. स्ट्रेट के लिए हम पिछले पेज पे आया था स्ट्रेटिंग. यस, ये देखो स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है ये देखो. सबसे पहले कि जैसे ये देखो ये इंडिया ना हमारा, ठीक है, और ये श्रीलंका है. तो इधर वे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है. तो ये वाटर एक नैरो चैनल में से क्रॉस कर रहा है. वाटर जहाँ से क्रॉस कर रहा है, मैं कलर चेंज करती हूँ. ये देखो ये वाटर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो इसे हम स्ट्रेट कहते हैं. स्ट्रेट क्या होती है, एक नैरो पासिस ऑफ वाटर जहाँ से पानी एक नैरो स्पेस से क्रॉस करता है और टू वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाता है, टू वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं. तो इंडिया के केस में इसका नाम है पाक स्ट्रेट. तो इन्होंने कहा स्ट्रेट का लिखा है, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, PALK पाक स्ट्रेट है ये, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जो इंडिया और चाइना के बीच में से वाटर एक नैरो चैनल में से पास करता है. अब हमने बात करनी है कि आर्कटिक ओशन जो है, जस्ट वेट, यस, तो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन ये दो एक बेरिंग स्ट्रेट से के साथ
मिलते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट ये देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इन वर्ल्ड का मैप देखोगे तो इस साइड पे यूएसए है। जस्ट वेट, देखो वर्ल्ड के मैप में इस साइड पे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और इस साइड पे रशिया, ठीक है। जो रशिया और यूएसए हैं, यहाँ से ये वाली जो स्ट्रेट है, यहाँ से इसको स्ट्रेट कहते हैं। देखो ये वाला हिस्सा रशिया का है और ये यूएसए का है, तो इसको ये पाक स्ट्रेट है, ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे पैसिफिक ओशन है, तो इन दोनों ओशंस को मिलाने वाली ये है बेरिंग स्ट्रेट, नॉट पाक स्ट्रेट बेटा, दिस इज़ बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो ये है आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जो मिलाती है। अब हम पिक्चर्स पे आई हैं तो मैं आपको एक दो पिक्चर्स और दिखा देती हूँ, जो हमने लास्ट टाइम किए थे ना कि क्या है जो हमारा माउंटेन पीक है, माउंट एवरेस्ट, उसको क्लाइम किस किस ने किया है, तो मैंने उसकी पिक्चर्स ली हैं, तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। जस्ट वेट, ये देखो ये पिक्चर है तेंजिंग नॉर्जे और एडमंड हिलेरी की, जो न्यूजीलैंड के हैं ना, तेंजिंग नॉर्जे और एडमंड हिलेरी, ये उनकी पिक्चर है। नेक्स्ट ये बिछेंद्री पाल है, जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, इंडियन वूमेन। और ये है जनको तबई, जापान की वूमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, ठीक है। तो ये पिक्चर्स दिखानी आपकी रह गई थी, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, चैप्टर पे चलते हैं। चलो बेटा, हाँ जी देखो, नेक्स्ट ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया ओशंस का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यस एटमॉस्फियर। लेट अस रीड अबाउट एटमॉस्फियर, कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लार्ज लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फियर। हमारी अर्थ के आसपास जो सारी एयर है उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं। थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है बेटा, ये पतला सा ब्लैंकेट नहीं होता जैसे एयर का, वैसे वो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है। और ये क्या है, ये हमें ब्रीथ करने के लिए, हम ब्रीथ करते हैं एयर में, और एयर की वजह से हम सन से आने वाली हार्मफुल रेज से खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एयर। अब देखो एटमॉस्फेयर की कितनी हाइट है, 1600 किलोमीटर तक की हाइट है, 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, और पूरे एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है, 5 लेयर्स में। ये 7th में आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी यहाँ 6th में सिर्फ नाम आए हैं। तो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, इसकी कंपोजिशन और टेम्परेचर के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो वो 5 लेयर्स कौन सी हैं, अगर हम अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करें, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, तो सबसे पहले आएगी ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, एंड उसके बाद अगर हम एक्सोस्फियर में चले जाएंगे तो उसके बाद हम अर्थ से बाहर हो जाएंगे, समझ गए। तो ये सारी 5 लेयर्स हैं किसकी, हमारे एटमॉस्फेयर की। इनको सही सीक्वेंस में ही पढ़ना, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर ही आएगी, फिर स्ट्रेटो, फिर मैसो, फिर थर्मो, फिर एक्सोस्फियर। तो इन 5 लेयर्स की डिटेल हम 7th क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें कौन कौन सी गैसेज है और कितनी है। तो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। कहते नाइट्रोजन 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% है, और इसके बिना बाकी गैसेस कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और अदर गैसेस, वो सारी मिला के 1% टोटल, ठीक है, अदर गैसेस। तो इट मींस ऑक्सीजन हमें चाहिए क्योंकि हम उसमें ब्रीथ करते हैं एज यू नो, और नाइट्रोजन जो है क्योंकि नाइट्रोजन जो है जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एयर से नहीं लेते, थ्रू सॉइल लेते हैं, ये आप साइंस में पढ़ोगे आगे जाके। तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, पहली बात तो आपको पता ही है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं प्लांट्स, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है।
दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरी चीज़ ये है कि जब अर्थ हीट रेडिएट करती है तब ये इसको सोख लेती है कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर, और इससे हमारा प्लैनेट गर्म बना रहता है, वार्म बना रहता है। तो इसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, नहीं तो जब रात को सन नहीं होता तो अर्थ बुरी तरह से जम जाए, वो हिस्सा जहाँ पे सन ना हो। अर्थ का आधे हिस्से में सन होता है ना, और आधे हिस्से में रात होती है, तो आधा हिस्सा जहाँ पे रात है वहाँ तो सर्दी हो जाए बहुत ज़्यादा। पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो अर्थ से निकलने वाली हीट अपने अंदर सोखती है और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट आगे द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। यस, डेंसिटी होता है घनता, जो एयर की एटमॉस्फेयर की घनता है वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखो इट इज़ मैक्सिमम सी लेवल। आप सबको पता है कि अर्थ की ग्रेविटी होती है, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो उसी तरह से एयर भी नीचे की तरफ जाती है। तो सी लेवल के ऊपर जस्ट वेट पेन कहाँ गया, यस, तो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है एयर की, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एयर कम होती जाती है। अब जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं, क्लाइंबर्स जो हैं, उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि ऊंचाई पे एयर कम होती है, ठीक है। तो उन लोगों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऊंचाइयों पे ब्रीथ करने में मुश्किल। अब ये क्यों होता है, देखो नीचे गर्मी ज़्यादा है, जितना हम माउंटेन्स पे जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। उसका रीज़न ये है, चलो आप लोग मुझे बताना उसका रीज़न कि माउंटेन्स पे ठंड ज़्यादा क्यों होती है, और कमेंट बॉक्स में राइट करना या जूम क्लास में बताना, अदरवाइज़ आई विल एक्सप्लेन यू इन जूम क्लास। ओके, चलो मैं नहीं बता रही अभी, कि क्वेश्चन द्वारा सुन लो क्या है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, देखो कि टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, कि जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं और ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों कम होता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर एटमॉस्फेयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है अर्थ पे और वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, जगह जगह एटमॉस्फेयर का एयर का प्रेशर अलग अलग होता है। कुछ एरियाज़ में हाई प्रेशर होता है, कुछ एरियाज़ में लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, हाई प्रेशर का मतलब ये है कि जिन एरिया में कोल्डनेस ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो एयर है वो नीचे की तरफ सिंक करती है जहाँ ठंड होती है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है, हाई प्रेशर होता है एयर का, जहाँ जिन एरियों में कोल्डनेस होती है। और जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे लो प्रेशर, क्यों, गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से एयर ऊपर की तरफ उठती है भाप बन के, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होती है जहाँ गर्मी होती है, तो एयर ऊपर की तरफ जाती है तो हम उसे कहेंगे लो प्रेशर, ठीक है। हवा हमेशा हाई प्रेशर वाले एरिए से, हाई प्रेशर वाले एरिए से लो प्रेशर वाले एरिए की तरफ चलती है, ठीक है। थोड़ा सा कम बताऊंगी मैं आपको क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में आप डिटेल में कर लोगे, अभी थोड़ा सा इतना समझ लो कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है यानी कि यहाँ पे ठंड होती है, उन एरिए से एयर लो प्रेशर की करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इसे हम विंड कहते हैं, विंड, समझे। तो एयर के मूव करने का रीज़न ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का जाना है, ठीक है। नहीं समझ आया, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी जूम क्लास में अगर, ठीक है, बता देना। उसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में तो आपको पता है कि ये नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर आपस में मीट करते हैं, ठीक है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक, इन इसी जोन में लाइफ है, एंड देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स टू बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स, यस। तो इसी बायोस्फीयर में छोटे छोटे माइक्रोब्स भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं और बड़े बड़े मैमल्स भी हैं, छोटे बड़े सारे तरह के स्पीसीज इसी बायोस्फीयर में रहते हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो हम सभी बायोस्फीयर में ही सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एनी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सभी बायोस्फीयर में ही सर्वाइव करते हैं। ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम, जो भी ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में उनको हम डिवाइड करते हैं, एक तो प्लांट किंगडम, प्लांट सारे, और दूसरा एनिमल किंगडम, ठीक है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ,
अर्थ के तीनों डोमेन आपस में इंटरेक्ट करते हैं हर एक दूसरे के साथ एक या दूसरे तरीके से। सारे तीनों डोमेन हाइड्रोस्फीयर हो एंड क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर हो एंड लिथोस्फीयर हो, तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ वुड, जंगलों को काटा जाता है हमारी लकड़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और लैंड को क्लियर किया जाता है फॉर सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल, अर्थ के सरफेस को हम भी चेंज करते हैं और नेचुरल क्लाइमेट की वजह से को नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी और कोई अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से भी अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज हो जाता है। तो देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी, सुनामी वगैरह आ जाए तो सबमर्ज भी हो जाती है लैंड, जैसे कि सबमर्ज मतलब पानी के अंदर डूब जाती है, जैसे कि अंडेमान और निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वाटर में सबमर्ज्ड हो गए थे कुछ आइलैंड अंडेमान निकोबार के। तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर मटीरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर यूज़, ह्यूमन बींग क्या करता है वाटर को वेस्ट वाटर जो होता है वो रिवर्स में फेंकता है जो अनसुटेबल हो जाता है फिर ह्यूमन बींग के पीने के लायक नहीं रहता। तो इसकी वजह से कई फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती हैं, जो रिवर में फिशीज वगैरह उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। तो इंडस्ट्रीज से एमिशन गैसेस का एमिशन होता है, थर्मल पावर प्लांट व्हीकल्स ये सारे एयर को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बट इंक्रीज इन द जस्ट वेट बट अगर इंक्रीज कर जाए CO2 की अमाउंट तो इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर CO2 ज़्यादा हुई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगी, तो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगी तो अर्थ ज़्यादा गर्म रहेगी, तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो यूज़ किया जाए रिसोर्सिस का, जो अर्थ पे रिसोर्सिस हैं उनका यूज़ बैलेंस्ड तरीके से किया जाए और एक बैलेंस बना के रखा जाए नेचर के सारे डोमेन्स में, लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में बैलेंस बना के रखा जाए। तो लेटर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आई विल सेंड यू, तो चलो मैं आपको ये टिक क्रॉस बता देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन रेंज डेट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया, तो कौन सी माउंटेन रेंज है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है, दैट इज़ द यूरल्स। उसके बाद है द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय एन इस्थमस। मेजर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एटमॉस्फियर बाय परसेंट, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है नाइट्रोजन। डोमेन्स ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग द सॉलिड रॉक इज, ठीक है, लिथोस्फियर। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ एशिया एज यू नो। फिलिप्स में आपको भेज दूँगी बेटा, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा साफ साफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक फॉर योर सेप्टेम्बर एग्जाम्स एंड कम्प्लीट योर नोटबुक्स बाई ऑल मीन्स, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।